आज हम लोग स्कूल कॉलेज ये सब संस्थानों के लिए अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सैलरी वाले अटेंडेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आज बनाते हैं स्कूल कॉलेज के लिए अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले हेडिंग बनता है स्कूलों का। जिस स्कूल का हम लोग अटेंडेंस शीट बनाते हैं उसका एक हेडिंग तैयार किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग एक्सेल को जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद मैं जितने दूर में हेडिंग तैयार करना चाहूँगा उतने दूर को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इतना सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको सिर्फ दो कॉलम को सेलेक्ट करना है, सॉरी दो रो को, और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ब्लैंक दिखने लगेगा। उसके बाद इसमें एक कलर फिल कर देना है। मैं यहाँ से इसमें येलो कलर फिल कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे येलो कलर फिल कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ से इधर करता हूँ, ऊपर चल, देखो मैंने यहाँ पे येलो कलर फिल कर दिया। ये मेरा हेडिंग है और इस हेडिंग के अंदर मैं अपनी स्कूल का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना स्कूल का नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे नेम देने के बाद मैं इसको सेंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इस ये ऑलरेडी सेंटर है, सॉरी ये ऑलरेडी सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया। अब मैं इसको थोड़ा साइज़ को बड़ा करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो। और इसकी जो फॉन्ट है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये स्कूल का नाम है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अटेंडेंस सीट ऑफ AIU कंप्यूटर जॉन, लेकिन मेरे को सिर्फ यही चाहिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगले में मेरे को चाहिए कि जो जो बच्चे हैं उनका नेम चाहिए, उनकी आईडी चाहिए और उनकी रोल नंबर चाहिए। और उसके बाद हम लोग अटेंडेंस शीट्स रेडी करेंगे, ओके। इन चीज़ों को होता है इसमें ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सीरियल नंबर। क्या लिखूँगा? सीरियल नंबर। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप दो रो को छोड़ दें, यानी कि रो 3 और रो 4 को छोड़ दें। कहीं भी छोड़ें मगर दो रो को छोड़ दें। आप बाद में भी कोई भी रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही आप छोड़ दें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। लेकिन सीरियल नंबर आपको रो 4 में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीरियल नंबर, ठीक है। कंप्लीट यहाँ से मैं करता हूँ सीरियल नंबर और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से इसको सेंटर। और इसके अंदर मैं कलर फिल कर दूँगा ये, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा लेकिन अभी छोड़ दो, बाद में कलर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हमने सीरियल नंबर लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, मैं इसको बोल्ड करता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूँगा और इसको यहाँ से B पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको बोल्ड करके और इसको सेंटर में कर दूँगा। हो गया सीरियल नंबर, हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, हो गया रोल नंबर, हो गया। अब स्टूडेंट आईडी जो होता है वो मैं लिख दूंगा यहाँ से। मैं इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इसको या तो खींच करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आपको जैसे करना है आप वैसे यहाँ से इसको मैं खींच करके बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ, अब मेरे को स्टूडेंट आईडी लिखना है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा स्टूडेंट आईडी और इसको लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो स्टूडेंट आईडी है ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है सेल के बाहर, तो मैं इसको खींच कर ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी आ गया। अब इसको बोल्ड कर दूंगा और उसके बाद सेंटर कर दूंगा। मेरे को ये 4 चीज़ें हो गए। अब यहाँ से क्या करना है आपको वो देखना है। अब जो अटेंडेंस शीट होती है उसके अंदर जो डेज होती हैं संडे मंडे ट्यूसडे वो लिखा जाता है। उसके बाद फिर इसमें डेट होता है वो भी मेरे को इसके अंदर मेंशन करना होता है। जैसे मान लो कि मैं बना रहा हूँ मई महीने का अटेंडेंस शीट, तो मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मई जो है वो कौन डे से शुरू होता है, बाकी फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में मैं दूंगा, यहाँ से ऊपर में मैं दूंगा डेट, ठीक है, ऊपर में दूंगा डेट।
और नीचे दूंगा मैं यहाँ से डेज। बस आपको ये दो चीज़ें करना है, इसको भी आप बोल्ड कर दो और यहाँ पे ये कर दो। आप ध्यान से देखो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करो या फिर नोट्स डाउनलोड आप कर लो, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मेटिंग से। तो हमने सीरियल नंबर लिखा, ये सब चीज़ें लिख लिया। चलो अब यहाँ पे मैं डेट में भरूंगा कि जो मई महीना है उसमें कहाँ शुरू होता है। मैं एक करूँगा, उसके बाद टैब दबाऊँगा दो, बस एक और दो सेलेक्ट करना है। इसको एक से दो तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको खींच कर आप आगे ले जाइए इसको। और जो हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट आपको पता है कि हाईएस्ट जो होता है वो 31 तक होता है, आपको बस उतना ही करना है, ठीक है? आप कहीं से भी सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से खींच करके कॉर्नर पर इसको आगे की ओर ऐसे करके आप ले जा सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ से 31 तक इसको यहाँ पर मैंशन कर दिया कम्प्लीट। मैं दोबारा से यहाँ जाऊँगा, सारे को सेंटर में कर लूँगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से बोल्ड भी कर दूँगा। चलो उसके बाद मेरे को अब क्या करना है, यहाँ से डेज देखना है, यानी कि मतलब ये जो डे कौन दिन था। तो मेरे को मई महीने में जो फर्स्ट था वो था फ्राइडे, तो मैं यहाँ से लिखूँगा फ्राइडे। शॉर्ट में लिख सकते हो या फिर पूरा नेम लिख सकते हो। अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो एक्सेल सारा शॉर्ट में कर देगा। देखो जैसे मैंने शॉर्ट में फ्राइडे लिखा तो उसके बाद देखो ऑटोमेटिक ये जनरेट कर रहा है। यहाँ से मैं यहाँ से 31 पर, देखो मैंने तो 31 तक किया। अगर 31 महीने के नहीं होते हैं तो आप नहीं करो, लिख दो मगर छोड़ दो उसको, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लिख कर छोड़ दो। तो चलो हमने सारा चीज़ मेंशन कर दिया, अब थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं। अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं लिस्ट बनाऊंगा, लेकिन पहले तो इतना मैं कर दूं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको जगह थोड़ा और देता हूँ। चलो सीरियल नंबर मैं दूंगा 1 2, बस 1 2 लिखना है और इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देना है। अब ड्रैग करोगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे को सिर्फ 10 चाहिए, बस 10, बाकी आप बना सकते हो। इसको मैं सेंटर कर दूंगा और इसको यहाँ से मैं बोल्ड कर दूंगा। ओके, नेम ऑफ द स्टूडेंट में मैं यहाँ से कुछ अपना नेम देता हूँ। जैसे मैंने दिया डीके वर्मा, उसके बाद मैंने इस नाम को भरा, उसके बाद मैंने यहाँ से, ठीक है, मैं फटाफट जो है से यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे 10 नेम को मेंशन करा और यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड करूँगा और यहाँ से इसको मैं सेंटर कर दूँगा। ओके, उसके बाद रोल नंबर मैं इसके लेता हूँ, ऐसे ही रोल नंबर जो मतलब ऐसे ही मैं भर रहा हूँ, ऐसे मैं, चलो मैं भर ही देता हूँ। रोल नंबर मैं देता हूँ 20 से शुरू करता हूँ, 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, जो भी है यहाँ से। ये 26 था यहाँ पे, 26 और ये 27 और ये 28 और ये 29, ये यहाँ पे मैंने रोल नंबर को भर दिया, ठीक है? अब ये रोल नंबर को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर दूंगा। आप और भी अच्छे तरीके से बनाएं। चलो और स्टूडेंट आईडी जो है वो मैं यहाँ से भर देता हूँ। सपोज ये स्टूडेंट आईडी है, एग्जांपल्स में ये है सब, ठीक है? ये सब स्टूडेंट आईडी है, मैं यहाँ से कुछ भी स्टूडेंट आईडी में भर देता हूँ, ठीक है? जो स्टूडेंट आईडी होगा वो आप भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो स्टूडेंट का आईडी दिया जाता है। चलो उसके बाद मैं यहाँ से, ये तो मेरा हो गया, मैं इसको कलर में इसको कर दूंगा, इसको अलग कलर देता हूँ, ठीक है? और इसमें मैं फिल करूंगा रेड, और इसकी जो टेक्स्ट कलर होगी वो होगी वाइट, इसकी जो फिल कलर होगी वो होगी यहाँ से ये होगा ब्लू, और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा वाइट। चलो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, आप देख सकते हो कि जो क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। सीरियल नंबर में वही करो, कलर को फिल करो ब्लू और इसको टेक्स्ट भी ये कर दो, इसका सेलेक्ट करो और यहाँ से आपको इसको ग्रीन कर दो और इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दो। फिर इसमें जाओ और रोल नंबर में, और यहाँ से इसके टेक्स्ट कलर को आप कर दो यहाँ से इस कलर को, और इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो कर दो वाइट। इसमें जाओ, फिर इसमें क्लिक करने के बाद इसको रेड करो और फिर इसकी टेक्स्ट कलर को वाइट करो। अब थोड़ा सा लुक देख सकते हो कितना लुक है। और क्या करो, एक चीज़ और आप करो, आप जितने दूर में बना रहे हो बस उसको आपको क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? आपको पूरे क्या करना है, आपको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं करता हूँ, मेरे को कहाँ तक है, मैं कर लूँगा सपोज, बाद में मैं कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके मैं पूरे बॉर्डर में मतलब पूरे में बॉर्डर लगा सकता हूँ। देखो आप देखो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया तो इसका लुक जो है वो और चेंज हो गया। कुछ नहीं करना था, मैंने बताया सेलेक्ट करो और यहाँ से जाने के बाद आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करो, ये बॉर्डर आपके सामने रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा खूबसूरती इसमें और आ गया, ठीक है?
देखो यहाँ पे मैंने बड़ा छोड़ा, तो मैं क्या करूँगा बाद में मैं कर सकता हूँ, मैं फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे जाके इसको फिर से लगा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। जो बचा है उसको फिर से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके इसको लगा दूँगा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो उसके बाद में क्या मेंशन करना है मेरे को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डेज है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे कि हमने ये सारे को डेज मेंशन किया, तो मैं क्या करूँगा कि डेज वाले का कलर थोड़ा चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से पूरे कलर को, जो डेज है उसकी कलर को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, जहाँ तक है वहाँ तक मैं जाऊँगा। और इसकी जो कलर है वो मैं यहाँ से, चलो ये हो गया, इसकी कलर को मैं कर दूँगा येलो, ठीक है। चलो ये येलो हो गया, अब थोड़ा सा खूबसूरती और आ गया। फिर से मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसकी जो डेट है वो मैं डेट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसकी जो कलर है वो कर दूँगा, यहाँ से ये कर दूँगा मैं जो अच्छा लगे, क्योंकि सारा कलर सूटेबल नहीं होता है। देखो अगर मान लो कि आप रेड करते हो तो रेड में जो टेक्स्ट की कलर होगी वो होगी वाइट, तो भी ठीक लगेगा। देखो ये अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, इसका लुक जो है कितना चेंज हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर प्रेजेंस और अब्सेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो बंदा प्रेजेंस होगा उसको मैं पी से डिनोट करूँगा और जो अब्सेंस होगा मैं उसको ए से डिनोट करूँगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हो सकता है संडे को तो वो बंदा आएगा ही नहीं, क्योंकि संडे को हॉलीडेज होता है, या हो सकता है कि आपके स्कूल में स्पेशल कोई एक दिन हो जो कि एक महीने के अंदर वो छुट्टी हो। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक महीने के अंदर दो दिन स्कूल के लिए स्पेशल हॉलीडेज हो जाते हैं, कोई भी कोई फेस्टिवल आ जाता है तो उसके लिए स्पेशल हॉलीडे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे संडे तो है, संडे को स्पेशल हॉलीडे है, बट इससे ज़्यादा भी हॉलीडे हो सकता है, तो मैं उसके लिए भी मेंशन करूँगा। जैसे देखो मैं यहाँ से फ्राइडे को मैं कर दिया प्रेजेंस और मैं कर दूंगा यहाँ से, मैं सपोज पी 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 मैं करता हूँ एग्जाम्पल में पी पी पी, यानी मतलब ये फ्राइडे को सभी लोग प्रेजेंस हुए। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से मंडे में पेस्ट कर दूँगा। आप लिख सकते हो, मैं यहाँ समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। मैं इसको पेस्ट किया और फ्राइडे में भी मैं इसको पेस्ट किया, मंडे में मैंने इसको यहाँ से पेस्ट किया। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा और एक कॉलम को छोड़ के पेस्ट करूँगा क्योंकि मैं उसमें अब्सेंस भरूँगा, या हो सकता है कि आप लगातार प्रेजेंस भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से मैंने इसको फिल करा, ठीक है, आप फटाफट ऐसे करके फिल करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। सॉरी यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैं इसको पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके इसको पेस्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट पेस्ट सेलेक्ट और पेस्ट और सेलेक्ट कर करके आपको ऐसे इसको पेस्ट करते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सपोज एक कर देता हूँ, मैं यहाँ से ए कर देता हूँ, ठीक है, ए से इसको मैं डिनोट करता हूँ, डबल ए हो गया, मैं इसको सुधार दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको एक जो डबल ए है मैं इसको यहाँ से इसको एक हटा लेता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद जिसमें बचा हुआ है मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, मैं इसको पेस्ट यहाँ से कर देता हूँ। जो जो संडे को मैंने पेस्ट कर दिया ना, संडे को नहीं करना था आपको, देखना है ये संडे है ना, संडे के तो ऐसे भी हॉलीडे होता है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और सिर्फ संडे को आपको नहीं करना है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, आपको संडे को नहीं करना था, ये जो संडे था वह नहीं करना था। मैं इस संडे को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इस मंडे में मैं यहाँ पे ये डिनोट कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको ये, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये सैटरडे को मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है, और यहाँ थर्सडे इसको भी मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आप इसी तरह से करते जाएं, जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना तो इसका जो लुक है वो बहुत चेंज हो जाएगा, ये लगेगा कि आपने अटेंडेंस शीट बनाया है। ध्यान दें, अगर संडे को हो जाता है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा, संडे को नहीं करना है। और हो सकता है कि संडे को हॉलीडे है और बिना संडे के भी वो हॉलीडे हो सकता है, बस में भाई, क्योंकि स्कूल में जब फेस्टिवल आता है तो हॉलीडे हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा, उसके बाद इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है, संडे को नहीं है, मैं इसको पेस्ट करूँगा, मैं संडे को हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है, मैंने हाईलाइट नहीं किया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको सेंटर में कर दूँगा, मैं यहाँ पर सारे को सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेंटर कर दूंगा, ठीक है, हो गया। जो संडे है उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट किया और मैं इसको जो है से ये जो
मैं इसकी कलर को ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ताकि समझ में आए। सॉरी संडे यहाँ से है ना, मैंने गलती किया, मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा और ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और संडे जो है वो उसको आप हाईलाइट करो, ये है आपका संडे, तो आप इसको सेलेक्ट करो, या पूरे यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉलम को ही सेलेक्ट कर लो, यहाँ से इस पर क्लिक करो, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद और कौन में है, संडे मेरा ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट करो और यहाँ कर दूँ, फिर इधर जाओ और संडे कहाँ है, इसको कहते एसी वाले पे क्लिक करो और इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। और संडे कहाँ है, आपका संडे यहाँ पे है, तो इस पर क्लिक करो, ये कर दो, ये हाईलाइट हो गया। लेकिन हमने सिर्फ प्रेजेंस और अब्सेंस फिल किया है, लेकिन जो स्कूल में हो सकता है, स्कूल कॉलेज जो भी है उसके अंदर कोई स्पेशल होलीडे हो, तो होलीडे के लिए हम एच डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, एच डिनोट, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो। तो मैं होलीडे को एच मानता हूँ, तो मैंने तो सिर्फ प्रेजेंस और अब्सेंस पुट किया है, तो मैं यहाँ गलती किया, मैं यहाँ पे कोई मान लो कि स्कूल में मैंने होलीडे दिया, तो मैं एच से उसको यहाँ से मैं कर लूँगा एच डिनोट कर दूँगा, कहीं कहीं मैं क्या लिखता हूँ, कहीं कहीं मैं एच डिनोट कर देता हूँ कि मतलब कितने दिन जो है सो स्कूल में छुट्टी था, ठीक है, मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं इसको होलीडे जहाँ तहाँ मैं लिखा हूँ, होलीडेज में जहाँ तहाँ लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप जो स्कूल में जब होलीडे मिले तब आप दे सकते हैं, किस डेट को होलीडे मिला आप उसी डेट को लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिखा हूँ समझाने के लिए। तो मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे सेट कर दिया, अब मेरा जो ओरिजिनल वर्क है यहाँ से शुरू होने वाला है। अब कितने लोग जो हैं वो अब्सेंस हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है से कितने लोग यहाँ से प्रेजेंस हुए हैं, मैं यहाँ इसको यहाँ से इसको बोल्ड कर दूंगा, और ये हो गया अब्सेंस और प्रेजेंस, और कितने दिन स्कूल ऑफ था, ठीक है, मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, यहाँ से इसको यहाँ से बोल्ड और इसको इसको सेंटर, ये हो गया अब्सेंस, ये हो गया प्रेजेंस, और ये कितने दिन स्कूल ऑफ था यानी छुट्टी था, और यहाँ पे जैसे और फेस्टिवल मैं यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से फेस्टिवल यहाँ पे मैं इसको यहाँ से करूँगा इससे बोल्ड, और ये हो गया। अब यहाँ से और भी चीज़ें हो सकती हैं, टोटल होली डेज भी हो सकता है, टोटल होली डेज, ठीक है, टोटल होली डेज। मैं आपको बता दूँ कि अटेंडेंस शीट कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अटेंडेंस शीट अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ये देखो यहाँ पे हट गया है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको भी बॉर्डर दे दूँगा, और इसके अंदर भी कलर फिल करना शुरू कर दूँगा ताकि ये अच्छा दिखे। मैं इसको कर दूँगा ब्लैक, और इसके जो टेक्स्ट कलर है वो कर दूँगा वाइट, फिर मैं प्रेजेंस में जाऊंगा और मैं इसको यहाँ से कर दूंगा ये, और इसकी ये कर दूंगा ऑफ है, इसको मैं भी कलर फिल करूंगा मैं यहाँ से, सपोज मैं इसको करता हूँ यहाँ से ब्लू और ये कर दूंगा। फेस्टिवल में जाऊंगा मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ये रेड, और इसकी कलर टेक्स्ट को कर दूंगा वाइट। उसके बाद इसको मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं इसकी रेड कर दूंगा और ये वाइट कर दूंगा, ये रेड नहीं ठीक लगेगा, ये मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे कितना सुंदर लगने लगा है ये मेरा अटेंडेंस शीट। अब मेरे को निकालना है कि कौन से स्टूडेंट हैं वो अब्सेंस हैं, मतलब कितने दिन वो अब्सेंस हुआ है। तो मैं यहाँ से करूँगा इक्वल प्रेस करूँगा और यहाँ से सी ओ यू एन टी काउंट इफ, काउंट इफ का फार्मूला लगाने के बाद मैं ब्रैकेट दूंगा, आप कीबोर्ड में टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है आपको रेंज देना है, तो आप कहाँ से कहाँ तक करे हो, तो मेरे को यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसको लेकर जाऊँगा मैं वहाँ तक जहाँ तक ये फिक्स था। आपको सिर्फ एक ही निकालनी है बस, अब मेरे को यहाँ तक था, और उसके बाद आपको यहाँ से कॉमा देना है और आपको देनी है डबल कोट्स और इसमें लिखना है पी, क्योंकि आप पी को खोल कर रहे हो तो आपको पी दे के ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है, डबल कोट्स में पी देना है और आपको इंटर प्रेस कर देना है। ये बता दिया कि जो बंदा है वो 14 दिन प्रेजेंट हुआ है। अब अब्सेंस चेक करना है तो इसके लिए फिर से वही करो, इक्वल प्रेस करो, सी एन टी काउंट इफ ब्रैकेट, और आपको रेंज देनी है, तो मेरे को तो रेंज इसमें ही देना है, तो मैं इसको यहाँ से फिर से सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद ये बंदा फिर बता देगा, बंदा नहीं अक्सर बताएगा, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और मैं दोबारा सीधर जाता हूँ। देखो आप नेम दे सकते हो, आप नेम दे सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक करना है, या तो आप माउस से सेलेक्ट करो या नेम दो, उसके बाद कॉमा दो, डबल कोट्स है, और डबल कोट्स के बाद आपको ए करनी है ऑप्शंस को, तो इसको बंद कर दो। देख लो आप फॉर्मूला को ध्यान से देखो, इंटर। अब यहाँ पे शो कर दिया कि ये बंदा 11 दिन जो है वो प्रेजेंस है और 14 दिन वो अब्सेंस है। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये काउंट कर दिया, अब संडे कितने दिन थे आपको संडे को भी देखना है, तो संडे यहाँ पे संडे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, संडे ब्लैंक है, संडे क्या है ब्लैंक है,
तो आप कुछ नहीं करना, ब्लैंक ही छोड़ दो। इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करना है इक्वल, वही काउंट इफ लगाना है। और आपको यहाँ पे अभी प्रेजेंस में आपने क्या किया, आपने रेंज दिया, तो चलो मैं फिर से यहाँ पे, मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रेंज दूंगा कि मेरे को कितना करना है। तो मैं फर्स्ट वाले रो को यहाँ से, चलो यहाँ तक है, यहाँ तक, बस यहाँ तक मैंने रेंज दिया। रेंज देने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉमा दूंगा, डबल कोट्स दूंगा, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। मतलब समझ गए, कुछ भी नहीं दोगे तो ब्लैंक काउंट करेगा, कुछ भी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, ब्लैंक काउंट करेगा, ठीक है। बस इंटर कर देना है। जो 6 दिन था वो संडे था, शायद 6 दिन था या फिर कुछ था, चेक कर पढ़ना पड़े मेरे को। एक संडे पड़ा, और देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ये ब्लैंक को काउंट कर लिया क्योंकि वेडनेसडे को तो यहाँ पे नहीं था। तो चलो मैं यहाँ से इसको यहाँ से एब्सेंस फिल कर देता हूँ, वो देखना वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने ए यहाँ पे फिल किया, आप देखना यहाँ पे, ये देखो ये ऑफ क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि 5 संडे पड़ा। और मैं और देखता हूँ, और संडे को तो नहीं छूटा हुआ यहाँ पे, और अगर कहीं ब्लैंक होगा तो वो काउंट, चलो यहाँ पे हमने देखा 5 संडे पड़ा, देखते हैं हम लोग। 1 3 1 2 यहाँ पे 3, और ये संडे 4, और यहाँ पे 5, ये 5 संडे मेरे को पड़ा है, चलो कंप्लीट। अब मेरे को टोटल हॉलीडेज यानी कितने दिन छुट्टी हो गया, तो संडे को तो ऑफ था, बात समझ रहे हो, संडे को तो यहाँ पे ऑफ रहता ही है, लेकिन फेस्टिवल क्या था, फेस्टिवल भी तो पड़ा था, तो फेस्टिवल हम लोग एच से डिनोट किए हैं, मतलब हॉलीडेज को। तो इक्वल लगाना है काउंट इफ, और यहाँ से काउंट इफ लगाने के बाद आपको रेंज देनी है। आप रेंज लिख सकते हो या फिर आप रेंज को डायरेक्ट माउस के जरिए ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने इसको यहाँ तक, बस यहाँ तक सेलेक्ट किया, ज़्यादा कर दोगे तो वो ज़्यादा काउंट कर लेगा। उसके बाद आपको इसको कॉमा देना है, डबल कोट्स एच देना है, डबल कोट्स से क्लोज, और यहाँ से इंटर। तो देखो एक भी दिन फेस्टिवल नहीं था, मतलब सॉरी उस मतलब फेस्टिवल ये वाले लड़कों का मतलब छुट्टी नहीं मिला। ऐसे मैंने ये जो फेस्टिवल वो गलत डाला है, क्योंकि फेस्टिवल कहीं किसी दिन हो सकता है, किसी लड़के के लिए नहीं हो सकता, किसी दिन होगा तो वो पूरे लड़के के लिए हो जाएगा, आपको समझना था। अब आपने जब एक निकाल दिया तो आपको सिर्फ इसको ड्रैग कर देना है, या कंट्रोल डी के, अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो माउस के जरिए करो। देखो सारा सेम आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। और मैं इसको भी कर देता हूँ ए संडे, और मैं इसको भी कर देता हूँ जो कि हॉलीडे था, देखो आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे था टोटल हॉलीडे मैंने कितना हॉलीडे हुआ, तो आप क्या करोगे, ऑफ वाले को और फेस्टिवल को ऐड कर दोगे। तो इक्वल प्रेस करना, सम लगाना और ब्रैकेट, और इन दोनों को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट से बंद करो, इंटर करो, और इसको फिर यहाँ से कंट्रोल डी से डायरेक्ट लाओ या फिर इसको ड्रैग कर दो। ये यहाँ पे आ गया है। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने सिंपल सा अटेंडेंस शीट तैयार किया, कोई हार्ड अटेंडेंस शीट नहीं था। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि नोट्स में मैंने भी इन सभी चीज़ों को मेंशन कराया। अगले दिन हम लोग धीरे धीरे और भी एडवांस अटेंडेंस शीट सीखेंगे, ये जनरल था क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, एक बार में हम लोग पूरा एडवांस नहीं सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।